हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन, आपका करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स की तरफ से। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की सिबिल स्कोर की कि लोन हमें क्यों नहीं मिलता, आज बात करेंगे कि सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए, कितने स्कोर पे लोन मिलेगा और कितने स्कोर पे नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं कि आपका सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए। देखिए, वैसे तो बैंक देखता है 0 से 900 तक, लेकिन मैं आपको बताऊंगा एक -1 भी होता है। अगर आप बैंक के पास लोन लेने जाते हैं और उसने आपका सिबिल स्कोर चेक किया और वो -1 निकला, तो -1 का मतलब कि आप एक बिल्कुल ही बिगनर हैं, आपने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया है, अभी आप बिल्कुल ही फ्रेशर हैं और काम शुरू करने जा रहे हैं। आपने काम शुरू ही करना है, आप बस एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में बैंक आपको अवॉइड करता है, आपको लोन नहीं देता। अगर उसे आपका प्रोजेक्ट समझ आता है, कंसिडर तो कर लेता है, लेकिन लोन देगा या नहीं इसकी गारंटी बहुत ही कम होती है, क्योंकि वो सोचता है आप एक बिगनर हो, क्या आपको काम की नॉलेज है, क्या कोई पास्ट एक्सपीरियंस तो है नहीं आपका, आपने कहीं से शुरुआत ही नहीं की अभी तक, तो आप तो अभी शुरुआत करने जा रहे हो। तो अगर आपका स्कोर -1 है तो समस्या खड़ी होगी होगी। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपका स्कोर 0 है, अगर आपका स्कोर 0 है तब क्या होगा? अगर आपका स्कोर 0 है तो इसका मतलब आपको 5 से 6 महीने हुए हैं काम शुरू करते हुए। तो बैंक सोचता है यार 5-6 महीने हुए हैं, क्या इसका टर्नओवर कितना होगा, इसकी ट्रांजैक्शन कितनी हुई होगी, इसमें भी लोन ना मिलने के चांसेस ही हैं। तो अगर 0 है तो भी दिक्कत है। उसके बाद बात करते हैं आगे के स्कोर की। जैसे जैसे आप, अगर आपने आपका स्कोर 0 है, आप काम शुरू कर रहे हैं, चलिए यार मैं बिना लोन के ही काम शुरू कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत पैसा अपने घर से ही लगा दिया मैंने, 20-25-50 हज़ार लेके मैंने शुरू किया, अपने पॉकेट से डाल दिया, ट्रांजैक्शन शुरू हुई। अब एक कैटेगरी आती है बैंक की 350 से 550, मतलब 350 to 550, जिसे हम कहते हैं बहुत ही पुअर कैटेगरी है। यानी -1 और 0 तक तो एक बार को ठीक है, यार काम शुरू नहीं किया या 5-6 महीने हो गए, लेकिन अगर आप 350 से 550 में फंसे तो ये तो बहुत ही पुअर कैटेगरी है। इसका मतलब ये उन लोगों के लिए कैटेगरी है कि जिन्होंने लोन लिया वो देने में नाकाम रहे, या जिन्होंने लोन तो लिया, लेट पेमेंट हुई, क्रेडिट कार्ड वगैरह बनवा लिया, लोन कभी ले लिया, लेकिन पेमेंट देने में नाकाम रहे, बैंक उनके चक्कर काट रहा है, या लेट पेमेंट आ रही है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है बैंक का। तो बैंक ये कहता है ये बहुत ही पुअर रेटिंग है। अगर ये रेटिंग है तब तो हम आपका लोन कंसिडर भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप या तो हो सकते हैं डिफॉल्टर भी, तो यहां पे आपको एक रिस्क मिल सकता है। अगर आपका स्कोर 550 से 750 तक है तो इसका मतलब बैंक जो है आपको लोन देने के लिए तैयार है, लेकिन हाँ, ज्यादा अमाउंट का लोन नहीं देगा, कम अमाउंट से वो शुरुआत करेगा। तो आप कोशिश करिए जितनी जल्दी से जल्दी हो सके 550 से 750 के स्कोर के अंदर आप आ सके। अब इसके बाद 750 से 900, यानी 750 to 900, अगर आपका ये स्कोर है, जैसे हमारे स्कूल कॉलेजेस में टॉपर होते हैं, तो इसका मतलब आप एक बिजनेस में टॉपर हो। बैंक आपको हमेशा रेडी रहेगा लोन देने के लिए, कितना लोन चाहिए आपकी मर्जी। बैंक आपको ऑफर भी करेगा, भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में कम देंगे हम लोन, यानी बैंक आपके पीछे भागेगा। आपको फोन पे DND की सर्विस एक्टिवेट करानी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी बैंक अगर लोन दे रहे हैं या जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है लोन दे रहे हैं, आपके फोन लगातार बजते रहेंगे, बैंक आपको स्कीम बताता रहेगा, सर इंटरेस्ट फ्री लोन ले लो, आधे घंटे में लोन अप्रूवल हो जाएगा आपका, 6 महीने तक हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे या कम से कम इंटरेस्ट लेंगे, तो ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी। तो ये लोन उनके लिए,
जो लोग आगे तरक्की करना चाहते हैं, ये मार्क्स, ये स्कोर, ये सिविल स्कोर उनके लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी काम करेंगे स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर से तो चलना पड़ेगा ना। आप खुद सोचिए, आप कहें सीधा ही 900 पे पहुंच जाऊं, आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपने भी तो कभी फर्स्ट क्लास की होगी, फिर सेकंड पे गए होगे, थर्ड पे गए होगे, फिर ट्वेल्थ पे गए होगे, फिर ग्रेजुएशन की होगी, फिर मास्टर की होगी। लेकिन यहाँ जब हम बिजनेस करने जाते हैं तो हम सीधा बैंक के पास जाते हैं, भैया 50 लाख का लोन दे दे। अब बैंक भी तो ये सोचेगा, भाई 50 लाख का किस ग्राउंड पे लोन दूं? तो अगर आपके पास पीछे बैकग्राउंड नहीं है तो सिबिल स्कोर अच्छा कीजिए ना, अच्छी ट्रांजेक्शन करिए, लोन लीजिए, टाइम पे पेमेंट करिए। जितना टाइम पे पेमेंट करेंगे उतना सिबिल स्कोर अच्छा होगा। बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट रखिए अपने अकाउंट्स में। क्यों, रीज़न क्या है? आप अगर पैसा आपका घर में पड़ा है जो यूज़ नहीं होता, उससे भी फ़र्क पड़ता है, उस पैसे को आप बैंक में डाल के रखिए, आप ही का फ़ायदा, FD करा दीजिए, उस पर ब्याज भी आएगा और आपका सिबिल स्कोर भी बढ़ता चला जाएगा। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं सिबिल स्कोर के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।